नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। स्वागत है आपका। कांग्रेस आरोप आप पर लगा रही है अरविंद कि आपने उनका नाम चुरा लिया। आम आदमी 1885 से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, अब आपको कोई नया नाम नहीं सूझा कांग्रेस का नाम चोरी करने के बजाय? कांग्रेस बौखलाई हुई है। आम आदमी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं था, लेकिन वो झूठा नारा देती थी। अब चूंकि आम आदमी पार्टी बन गई है, इस देश के आम लोगों ने मिलकर पार्टी बना ली है। पार्टी तो आपने बनाई है, आम लोगों ने कहाँ बनाई है? नहीं, लोगों ने मिलकर बनाई है, ये आंदोलन से निकली है पार्टी। तो अब वो झूठ बोलना भी कांग्रेस बंद कर देगी। और धीरे धीरे लोग भी समझ गए थे कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ तो वाड्रा के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो रिलायंस के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो कलमाडी के साथ है, कांग्रेस का हाथ तो राजा के साथ है। कांग्रेस का हाथ कभी भी आम आदमी के साथ नहीं था। पर यही वो आम आदमी है जिसने 2004 में 2009 में कांग्रेस को जीत दिलाई। राइट, तो ये सीधे ऐसा तौर पे भ्रम उसी है, आम आदमी पर आपकी नजर है क्योंकि आप उसका वोट चाहते हैं। ऐसा भ्रम है। हो क्या रहा है कि ये कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन जीतने की मशीन है। ये पार्टियां, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, इनका आम आदमी की समस्याओं से, आम आदमी के भले से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही परफेक्ट मशीन है जो चुनाव जिताने की एक वो है। चुनाव के वक्त ये मशीन एकदम से उसमें आती है और चुनाव आपको जिता के देती है बस। तो चुनाव जीतना या हारने से हम ये नहीं कह सकते कि इस देश का आम आदमी, आम आदमी तो बेचारा दुखी हो चुका है। 5 साल में एक बार इस पार्टी को ट्राई कर लेता, दूसरी बार उस पार्टी को ट्राई कर लेता, एक बार इस पार्टी को ट्राई कर लेता, दूसरी बार। तो आपकी पार्टी इन पार्टियों से अलग कैसे? क्योंकि आपको भी उसी दंगल में जाके चुनाव लड़ना है, वही पैसा इकट्ठा करना है चुनाव लड़ने के लिए, उसी दंगल से आपको उम्मीदवार खड़े करने हैं, तो आपकी पार्टी अलग कैसे? हम इसके रूल बदलेंगे, इस पूरे खेल के रूल बदलेंगे। चुनाव पैसे से जीता जाता है, इस मिथ को तोड़ेंगे। आप कैसे जीतेंगे चुनाव? हमें पैसा, पहली बात तो हम चुनाव जीतना है, ये हमारी राजनीति नहीं है, इसको अच्छे से आप समझना हारने चाहिए। के लिए आए? नहीं, हम हारने के लिए नहीं आए हैं, चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्यों बिजनेस कर रहे हो, वो कभी ये नहीं कहेगा प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूं। वो ये कहेगा मैं देश की सेवा करने के लिए, समाज को सेवा देने के लिए कर रहा हूं। तो ऐसी कहने की बात है। प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं। ये राजनीति जो पैसे की, अपराध की, भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई, इसको बदलना चाहते हैं। और 2 अक्टूबर को जब हमने अनाउंस किया था, हमने कहा था इन लोगों ने हमें मजबूर किया है राजनीति में आने के लिए, ये लोग हमें चैलेंज करते रहे, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। अब इनको चुनाव लड़के दिखाएंगे और आज के बाद हम इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। और 2 अक्टूबर से लेकर आज तक इन लोगों को हमने चैन से नहीं बैठने दिया, रोज इनकी राजनीति को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं और 2014 तक इनकी राजनीति को चैलेंज करते रहेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे और चुनाव तो जीतना ही है, चुनाव तो बहुत छोटी सी बात है इस पूरी की पूरी आपने प्रक्रिया कहा के था कि अंदर। आपकी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग होगी। आपने कहा कि जब भी कोई आरोप लगेगा आपके किसी भी सदस्य पर, आप उसकी एक आंतरिक लोकपाल से जांच कराएंगे और एक हफ्ते के अंदर उस जांच को सार्वजनिक करेंगे, बताएंगे कि उस जांच में क्या निकला। कहा था कि नहीं? हमने ये उस टाइम भी कहा था जिस टाइम ये 3 लोगों के ऊपर वो लगा था कि 3 महीने लगेंगे। नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंजलि दमानिया पे जो आरोप लगे हमने कहा था उसमें तीन आपने महीने लोकपाल लगेंगे, बैठाया, हमने क्या कहा था निकला तीन, उसमें से? अभी चल रहा है, कल उसका कुछ बोलने वाले हैं हम, क्या बोलने वाले हैं? कल उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ क्योंकि बोलने मुझे वाले ये हैं। लग रहा है कि आप चाहते कि जनता भूल जाए कि नहीं, ऐसा आपने नहीं, एक हम कमेटी बैठाई, क्या हुआ, रिपोर्ट कल बनी, बता क्या रहे हैं ना, निकला। कल बताएंगे इसके ऊपर। लेकिन पार्टी और मुद्दों पे कैसे अलग है वो भी समझने की जरूरत है। आज हर पार्टी के अंदर नेताओं के बेटों को और बेटियों को टिकट मिलते हैं। मुलायम सिंह जी का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनता है, लालू यादव की वाइफ ही चीफ मिनिस्टर, सोनिया गांधी जी का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख सकता है, दिग्विजय सिंह का बेटा अमेरिका से पढ़ के आता है और सीधे आके बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश, सब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि अगर एक व्यक्ति को वोट मिलेगा तो उस परिवार के दूसरे व्यक्ति टिकट मिलेगा तो उस परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल सकता। अगर एक व्यक्ति हमारी पार्टी के किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है तो उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये मेंबर है। दावे अरविंद भारत की जनता ने खूब सुने हैं। मुलायम सिंह भी यही कहते थे, उन्होंने चुनाव में कहा लालू था भी कि यही अपने कहते बेटे को थे, टिकट नहीं देंगे। उनकी राजनीति का आधार यही था कि कांग्रेस वंशवाद की शिकार है, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुलायम सिंह ने अपनी बोला था, पार्टी इसी आधार पर खड़ी की और अब देखिए वो क्या होता है। आपके जब बच्चे बड़े होंगे तब समझ में आएगा कि आप अगला प्रेसिडेंट उनको बनाते हैं कि नहीं, वो तो जब बारी आती है तब पता चलता है। बातें करनी तो बड़ी आसान है अरविंद, मुलायम सिंह जी ने बोला था, शुरुआत में लगातार कांग्रेस के दिखाइए वंशवाद के खिलाफ वो बयान देते मुलायम रहे। सिंह जी ने हमने तो संविधान में डाला है भाई, संविधान बदल नहीं सकता, उन्होंने संविधान में डाला था। अगर उन्होंने नहीं डाला था तो इसका मतलब वो कोरा पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे जनता को। क्या
लालू यादव जी ने अपने संविधान, आप हमारा संविधान पढ़िए ना, संविधान किस तरह से बनाया गया, ये सारी पार्टियां छात्रों को और महिलाओं को फ्रिंजेस पे रखती हैं, महिला विंग, छात्र मोर्चा, तो है? आप महिलाएं तो दो ही हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे। नहीं, महिलाएं दो हैं लेकिन सात स्थान खाली रखे गए, मिली नहीं आपको महिला कोई, आएंगी अभी धीरे धीरे आएंगी, इसीलिए सात स्थान खाली हैं। हमने उसमें डाला है कि पांच कम से कम 20% महिलाएं होंगी, 20% छात्र होंगे। दक्षिण से कोई नहीं है, भारत के पूर्व से कोई नहीं है, लगता है कि उत्तर भारत की और मूलतः दिल्ली की पार्टी है आपकी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि हाँ हकीकत है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर दक्षिण के लोगों की कमी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे आएंगे। इलेंगो हैं, जैसे इलेंगो तमिलनाडु के हैं, अभी बहुत बीमार हैं, उन्होंने कहा मैं 3 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, मैं भी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसी तरह से लोग हैं, गुरनाम सिंह जी हैं, वो किसानों के नेता हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, वो भी किसी और चीज में बिजी हैं, 2-3 महीने के बाद ज्वाइन, तो लोग ज्वाइन करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, एक तरह की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आगे समय लगेगा। पर इतने अलग अलग लोग, इतनी अलग अलग सोच, आपको लगता है कि मिलके आप चला पाएंगे कि यहाँ पे तानाशाही होगी अरविंद केजरीवाल की? मेरी बात सुनो, वरना अन्ना की तरह, किरण बेदी की तरह आप भी आउट। अन्ना की तरह किरण, अन्ना को हम आउट नहीं किया, किसी ने चले गए ना, बनी नहीं आपसे, नहीं मतलब नहीं। लकीर वो है जो अरविंद केजरीवाल खींचते हैं, उस लकीर में पीछे पीछे चलना है तो चलो, वरना सही हो जाए। ऐसा नहीं है, आप अगर संविधान पढ़ें तो संविधान में साथ साथ साफ साफ लिखा है कि इस पार्टी के अंदर पहली बार राइट टू रिकॉल है। अगर नेशनल काउंसिल चाहेगी तो वो पूरी की पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव को रिकॉल कर सकती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव चाहेगी तो वो सारे ऑफिस बेरर्स को रिकॉल कर सकती है। तो एक तरह से ऑफिस बेरर्स जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबल है, नेशनल एग्जीक्यूटिव नेशनल काउंसिल के प्रति अकाउंटेबल है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस बेरर के प्रति नेशनल एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है। दूसरी पार्टियों के अंदर संविधान के अंदर ही पूरी की पूरी ताकत दी गई है नेता को या प्रेसिडेंट को। एक बात बताइए, आपके बच्चे आएंगे राजनीति में? नहीं, मेरे बच्चे नहीं आएंगे राजनीति। कैसे इंश्योर करेंगे आप? वो आना चाहेंगे वो आएंगे, लेकिन अगर मैं इसके अंदर पार्टी में टिकट लेता हूं तो मेरे किसी बच्चे को टिकट नहीं मिल सकता, ये पार्टी के संविधान में ही लिखा है। अब वो क्या करेंगे, क्या तो संविधान बदल जाता है, अभी हमने देखा बीजेपी ने क्या किया कुछ हफ्ते पहले। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे वक्त में कम से कम अगर मैं रहा तो या तो मैं रहूंगा इस पार्टी के अंदर या मेरे बच्चे रहेंगे। आम कार्यकर्ता के रूप में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आपके जो प्रश्न है वो आज तक का भारत का जो इतिहास रहा उसी से निकल के आ रहे हैं कि आज तक तो भारत ने धोखा खाया, हर पार्टी ने धोखा दिया, तो सब लोग शक की निगाह से तो देखेंगे, लेकिन अब आने वाला भविष्य ही बता पाएगा कि जो बातें हम कर रहे हैं उन बातों पे हम कितना खरा उतर पाएंगे। जूलियन असांज की तरह अरविंद केजरीवाल ने भी फैशन शुरू कर दिया है, आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं, आरोप लगाते हैं भाग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आप मानहानि कर रहे हैं उन तमाम लोगों की, उन पर आरोप लगाकर जिनको साबित करने में आपकी कोई रुचि नहीं है? आपकी रुचि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यह है अरविंद कि आपकी पार्टी खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं, आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का आरोप लगा, रॉबर्ट वाड्रा के मामले के अंदर क्या लॉजिकल, लोग कहते हैं कि लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाते, क्या लॉजिकल एंड होना चाहिए? कोर्ट लेके जाते हैं कि जांच होती उसके ऊपर, निष्पक्ष जांच होती उसकी, फिर उस पर मुकदमा चलता, और उसके बाद अगर रॉबर्ट वाड्रा जी अगर दोषी हैं तो उनको जेल होती। अब कौन जांच करेगा? हम सीबीआई डायरेक्टर तो है नहीं, हम कोर्ट, हम चीफ जस्टिस सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाया है ना 2G के केस में, प्रशांत भूषण ने भी पहले दिखाया है, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने राजा को जेल भेजा, कन्नी मोड़ी को जेल भेजा, नहीं नहीं भेजा, वो तो वापस आ गए बाहर, बाद में आए ना, बेल तो किसी को भी मिल सकती है, तो बेल मामला तो चल ही रहा है, और कह रहे हैं कि इस देश में बेल होती है जेल नहीं होती है, सबको बेल हो, कई महीने जेल में थे बस, इतना बहुत, ये तो मेरे को भी कर दो यार, 2 लाख करोड़। सजा तो अभी भी हो सकती है, सजा मिलेगी नहीं आज, ऐसे मालूम आप मेरे से लिखवा लो एफिडेविट, लोग आज आपका शो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस दिन सजा हो जाए दोबारा बुला लेना आज तक के ऊपर। पर आपको कैसे मालूम कि आज तक हुई सजा? सीबीआई के 50 साल के इतिहास के अंदर सीबीआई को किस लिए बनाया गया था? सीबीआई को इसलिए बनाया गया था कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ चोरी कर रहे हैं इनको जेल में डालो। 50 साल के अंदर 3 छोटे छोटे लोग जेल में गए, नरबहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण, बस। ऐसा नहीं कि सीबीआई के अंदर अच्छे ऑफिसर नहीं है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, सीबीआई को काम नहीं करने देते, और आपको बड़ी उम्मीद है कि जेल होगी तो आप ऐसे ही करेंगे, मिट्टी फेंकेंगे भागेंगे, मिट्टी फेंकेंगे भागेंगे। अब वो मिट्टी सही, हम लोगों थी, का गलत मकसद थी, आरोप सही था गलत था उसमें कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कहा कि 700 लोग ऐसे हैं जिनके ब्लैक मनी अकाउंट्स हैं जिनेवा में, HSBC के अकाउंट। अब किसी का भी एक फॉरेन अकाउंट हो सकता है, देश के कानून इसकी इजाजत देते हैं। आपको कैसे मालूम कि इन 700 लोगों में से 700 के ही ऐसे हैं जो ब्लैक मनी अकाउंट है? आप माफी मांगेंगे उनके जिन्होंने ब्लैक मनी नहीं रखा था बाहर?
अच्छा ले, अगर ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ आज आपके शो में, ठीक है, जो जो नाम हम लोगों ने उस दिन लिए थे, आज तक और हेडलाइंस टुडे और पूरा इंडिया टुडे ग्रुप अपनी तहकीकात कराए, और अगर ये साबित हो जाता है कि जो हमने कहा था वो गलत था तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर ये साबित हो जाता है कि जो हमने कहा था वो ठीक था तो फिर आप माफी हम क्यों मांगेंगे, माफी मांगे? जिसके ब्लैक मनी है वो समझे उसको क्या करना है। क्योंकि जो संजीदगी इस मुद्दे पे दिखानी चाहिए वो संजीदगी नहीं दिखाई दे रही, नहीं, क्योंकि ये बहुत आपके सीरियस। बयान से ऐसा लगता है अरविंद कि आपका मानना है कि जो भी आदमी विदेश में अकाउंट खोल ले उसका ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी और स्विस बैंक अकाउंट इस देश का बहुत ही सीरियस मामला है। वाकई सीरियस मामला है कि वाकई नहीं है? हमने उस लिस्ट को देखा है, उस लिस्ट के अंदर किन किन लोगों पे जांच हुई और किन किन लोगों पे जांच नहीं हुई ये हमें पता है। हमने आके बाहर इसके बारे में बताया। आपने मुकेश अंबानी से बात की? उन्होंने बयान दिया, उनकी कंपनी की क्या तरफ से बयान बयान दिया? आया क्या जिसमें बयान? उन्होंने कहा कि उनका ऐसा अकाउंट ही नहीं था। बात नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं। आपके चैनल ने सबसे पहले ये चलाया कि एचएसबीसी वालों ने मुकेश अंबानी से माफी मांगी, चलाया कि नहीं चलाया? चिटचिट दी, एचएसबीसी का बयान है हमारे पास, दिखाइए, एचएसबीसी ने बयान दिया दिखाइए जिसके बयान। आधार पर यह नहीं निकल है के आया, एचएसबीसी का, एचएसबीसी के अधिकारियों का नहीं है, बयान आया, प्रेस नहीं है, रिलीज आई बाकायदा उनके दिखाइए पास, वो कहाँ है। हम आपको निकाल के दिखा देंगे। एचएसबीसी ने, ना एचएसबीसी ने बयान दिया ना मुकेश अंबानी ने बयान दिया कि एचएसबीसी वालों ने मेरे से माफी मांगी। मुकेश अंबानी के ऑफिस ने इन्फॉर्मली आप लोगों को बताया, नहीं, प्रेस रिलीज आई इन्फॉर्म थी नहीं आई, आप बाकायदा, दिखाइए, प्रेस रिलीज आई नहीं थी। मैं आई आपको निकाल के भेज दूंगा, इंटरव्यू खत्म होने के फौरन इन बाद मैं आपको मुकेश निकाल के भेज अंबानी दूंगा। इन्फॉर्मली जो बात कहे वो आपको मंजूर है, और हम कह रहे हैं कि हमने आयकर विभाग की फाइलों को देखा है, वो आपको मंजूर नहीं है। इस देश का पैसा स्विस बैंकों के अंदर जा रहा है, उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता। हमें कहा जाता है आप जांच करके बताओ, अरे हमारे पास क्या जांच एजेंसी है, ये देश लुट रहा है, वो आपका भी पैसा लुट रहा है, आपका भी ये देश है, आपको मुकेश अंबानी को यहां बिठाना चाहिए, वो नहीं आएगा यहां पे, कभी नहीं आएगा, हिम्मत ही नहीं है किसी की वो यहां बिठा सके। ही गिव्स अ डैम टू दिस एंटायर डेमोक्रेसी, ही गिव्स अ डैम टू दिस एंटायर प्रोसेस। हमें कहा जाता है कि आप प्रूव करो, आप जैसे मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है, मैंने खुलवा लिया वहां जाके अकाउंट, अरे भैया ये देश लुट रहा है, उस मुकेश अंबानी ने पैसा भी जमा करा दिया, ही हैज एडमिटेड हिज टैक्स डिफॉल्ट, और आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहिए आज तक वाले 1 घंटे का कल प्रोग्राम करें, मैं मुकेश अंबानी के अकाउंट का नंबर भी आपको बता दूंगा, अनिल अंबानी के अकाउंट का नंबर भी आपको बता आप दूंगा, कैसे हैं ये नंबर? मेरे पास है नंबर। आपको डर नहीं लगता आप इतने बड़े लोगों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाते हैं? देश लुट रहा है इस टाइम, अगर भगत सिंह को भी डर लगता, सुभाष चंद्र बोस को भी डर लगता तो फिर ये देश आजाद नहीं होता। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, इन सब लोगों से आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पत्नी को, आपके परिवार वालों को आपकी चिंता नहीं होती? चिंता है, सब लोगों को चिंता है, लेकिन कुछ भी हो जाए ये लड़ाई, ये पूरा देश जाग चुका है, जहां भी हम जा रहे हैं देश जाग चुका है, एक उम्मीद की किरण बन रही है कि अब देश आजाद हो, कुछ हो गया तो और 100 लोग पैदा हो जाएंगे। ये बताइए कि लोकपाल बिल अब तैयार है संसद में, हो सकता है कि इसी हफ्ते आ जाए, अब तमाम सांसदों की सहमति से यह बना है, अब अगर सेंस ऑफ द हाउस ये है कि इस तरह का लोकपाल, पहले के लोकपाल से बहुत मजबूत है ये नया लोकपाल, वो लाया क्या क्या जाए, मजबूती वो दिखाई देती है? अगर आप देखिए सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट रखा गया है, अफसरों को का तबादला नहीं होगा जब तक वो लोकपाल के किसी मामले की जांच कर रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर है ये लोकपाल, आपको मैं इतना तो आप बताऊं भी मानेंगे। कुछ बेहतर, सारे मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं कर रहे, हम तो पहले ही कह रहे थे सारी पार्टियां मिली हुई हैं, ये लोकपाल है, ये सीबीआई है। मैंने कहा भाई रॉबर्ट वाड्रा ने चोरी कर ली, तो लोकपाल कुछ जांच भी नहीं कर सकता, जांच करने की भी पावर नहीं दी है लोकपाल को, समझने की कोशिश कीजिए, लोकपाल केवल पोस्ट ऑफिस है। लोकपाल मेरी शिकायत को सीबीआई को फॉरवर्ड कर सकता है, आज मैं सीधे सीबीआई को शिकायत कर सकता हूं, कल मैं लोकपाल के थ्रू शिकायत करूंगा, बस ये लोकपाल है। सीबीआई एज इट इज सरकार के कंट्रोल में रहेगी, सरकार उसकी जांच उसको कंट्रोल, तो फिर ये लोकपाल की जरूरत क्या है, मैं सीधे सीबीआई में ही चला जाऊंगा ना, नहीं, पर फर्क लाए गए हैं, सीबीआई डायरेक्टर का एक फिक्स टर्म होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक फिक्स टर्म उससे होगा, क्या फर्क पड़ गया? तो सीबीआई उनका डायरेक्टर, तबादला नहीं होगा ना, वो दबाव में नहीं होंगे, ये सरकार संदेश दे रही है। सरकार कोई संदेश नहीं दे रही, आप पूरे के पूरे सीबीआई को क्यों नहीं इंडिपेंडेंट कर सकते, क्यों नहीं आप इंडिपेंडेंट बॉडी सीबीआई को, आप ये झुंझने क्यों दे रहे हैं, ये झुंझनों से हम खुश नहीं होते, हमें ये चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने अगर चोरी की है तो क्या उसको जेल होगी, नहीं होगी, अगर नितिन गडकरी जी ने चोरी की है, सलमान खुर्शीद ने चोरी की है तो क्या उनको जेल होगी, नहीं होगी, दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। चलिए ये बताइए, पार्टी अब आपकी तैयारी तैयार है, अगला कदम अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? हमारा अगला कदम क्या है, हम जो जनता के बीच में जा जाके जनता को जागरूक कर रहे हैं, वो जागरूक करना एक तरफ जारी रहेगा, खुलासे करने के तरह अलग अलग मुद्दों पे जनता को जागरूक करना, और दूसरी तरफ संगठन बिल्डिंग की एक्सरसाइज जो है
पूरे ऑर्गेनाइजेशन गांव गांव तक, इसको कॉलेज कॉलेज तक ले जाना, उसके ऊपर बहुत ही व्यापक एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। देखना होगा कि जो मुहिम आपने छेड़ी है वो चुनावों में क्या रंग लाती है। अरविंद केजरीवाल, सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अरविंद केजरीवाल से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।